चलिए तो बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू यूनिट एंड दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अब जैसे नॉर्मली केमिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर स्कोरिंग द मार्क्स, लेकिन कौन सी चीज होती है केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन होता है दैट इज वेरी वाइड, बिकॉज एवरीथिंग यू विल बी लुकिंग अराउंड वो सब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। इनफैक्ट यदि आप अपनी बॉडी को एनालाइज करेंगे तो यू विल बी फाइंडिंग नथिंग एल्स देन केमिकल्स ओनली। ठीक है, तो इवन वी आर द ब्यूटिफुल क्रिएशंस ऑफ केमिकल्स ओनली। समझ आती है ना बात? ये यदि हम क्लिनजिंग की बात करें तो इट इज सोप्स है या टूथपेस्ट है और इट इज वॉट एवर, ये सारे के सारे जो होते हैं सोप्स डिटर्जेंट्स टूथपेस्ट वगैरह, दीज ऑल अबाउट द क्लिनजिंग एजेंट्स, एंड दीज क्लिनजिंग एजेंट्स दे आर नथिंग बट वॉट दे आर केमिकल्स ओनली। ठीक है, यदि हम बीमार पड़ते हैं और यदि हम दवाइयों की तरफ देखते हैं, ठीक है, जो दवाइयां हम यूज करते हैं तो जो मेडिसिन होती हैं दे ऑल्सो आर नन अदर देन केमिकल्स ओनली। ठीक है, या फिर जैसे हम रॉकेट आज यहाँ से उसमें स्पेस में भेज पा रहे हैं काफी दूर दूर तक, तो उसमें रॉकेट प्रोपेलेंट्स जो यूज होते हैं इवन दे आर केमिकल्स। समझ आती बात ये? ठीक है, सो द होल वर्ल्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय केमिकल्स ओनली। ठीक है, तो अब इनका ही अपने को मेनली यूज देखना है ना इस चैप्टर में। हम मेनली तीन टाइप के जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है, जिनमें से सबसे पहले वाले जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, दीज आर द ड्रग्स। समझ आती बात ये ना? सबसे पहले वाले जो केमिकल्स रहेंगे ये केमिकल्स कौन से रहेंगे, तो हम बोलेंगे ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स जो होते हैं क्या रहेंगे, ये केमिकल्स होते हैं लो मॉलिकुलर मासेस के, है ना, जिनमें जो रेंज होती है मॉलिकुलर मास की वो कितनी होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज 100 to 500 U। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ड्रग्स जो होते हैं लो मॉलिकुलर मास के केमिकल्स होते हैं। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, तो हम बोलेंगे इनमें मॉलिकुलर मास जो होता है इसकी जो रेंज होती है ये 100 to 500 U होती है। ठीक है, ये ड्रग्स जो होते हैं केमिकल्स जो होते हैं जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैक्रो मॉलिकुलर टारगेट्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और उस इंटरेक्शन से क्या होता है, इट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। समझ आती बात ये है ना? ड्रग्स जो होते हैं जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करने के बाद क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वहां पे जो मैक्रो मॉलिकुलर टारगेट्स होते हैं उनके साथ ड्रग्स का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और इस इंटरेक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम बोलते हैं इट इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। समझ आ गई बात ये है ना? इस इंटरेक्शन से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है ना, ये जो केमिकल्स हैं इन्होंने बॉडी में एंटर करने के बाद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स से इंटरेक्ट करके कौन सी वाली चीज की, तो हमने बोला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो होता है यदि थेरेप्यूटिक यूज का होता है ना, जिसको थेरेपी में यूज किया जा सके, ट्रीटमेंट में यूज किया जा सके, तो तभी जो केमिकल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड मेडिसिन। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये ड्रग्स क्या कहलाएंगे, हम बोलेंगे ड्रग्स फिर मेडिसिन कहलाने लगते हैं। समझ आ गई बात ये है ना? जो ड्रग्स होंगे दे विल बी नोन एज वॉट, हम बोलेंगे फिर इनको मेडिसिन कहा जाता है। आया है क्या समझ में अच्छे से, ये है ना, ड्रग्स जो होते हैं ये क्या कहलाएंगे, दीज आर मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन जो हैं इनके यूजेस कहाँ होते हैं, तो क्या बोला हमने, ड्रग्स जो होते हैं इनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है यदि थेरेप्यूटिक यूज का होगा तो फिर ड्रग्स जो केमिकल्स हैं ये क्या कहलाने लगते हैं, मेडिसिन कहलाने लगते हैं। ठीक है, मेडिसिन जो होते हैं किन किन कामों में आएंगी मेडिसिन, तो हम बोलेंगे डिसीजेस के डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं ये, देन डिसीजेस के प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं, और या फिर किस में दैट इज इन ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। ठीक है, मेडिसिन का जो यूज होता है वो किस में होता है, हम बोलेंगे डिसीजेस के डायग्नोसिस में या डिसीजेस के प्रिवेंशन में, है ना, एंड इट इज इन व्हाट दैट ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि मेडिसिन जो होते हैं केमिकल्स हैं। ठीक है, तो यदि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में ये बॉडी में चले जाएं तो फिर क्या हो जाता है, ये पोटेंशियल पॉइजन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो देन रादर देन गिविंग बेनिफिट टू द बॉडी ये क्या बन जाते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज मेडिसिन का जो यूज होता है,
ठीक है, या बॉडी में जो कंजम्पशन यदि प्रिस्क्राइब्ड डोज से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो तब कौन सी वाली चीज हो जाती है? तो हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड डोज के ऊपर यदि वो निकला तो क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे दैट बिकम्स व्हाट, अ पोटेंशियल पॉइजन। समझ आ गई बात ये? ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं? तो हम बोलेंगे ड्रग्स जो हैं या मेडिसिन जो होती हैं, या हम बोलेंगे टेस्ट केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इनको जो अपन क्या करेंगे थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी, है ना। इट इज यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, सो वी से दिस इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, केमिकल्स का यूज किसके लिए? थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, ये क्या कहलाता है? कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, तो कौन सी चीज बोली हमने? समझला ड्रग्स जो होते हैं ये क्या रहेंगे? स्मॉल मॉलिक्यूलर मासेस वाले केमिकल्स होते हैं जिनकी रेंज होती है मॉलिक्यूलर मास के 100 to 500 U। ठीक है, क्या वाले ड्रग्स जो होते हैं, ऐसे वाले केमिकल्स हैं जो बॉडी में एंटर करने के बाद कौन सी वाली चीज करते हैं? तो हम बोलेंगे बॉडी में एंटर करने के बाद ये मैक्रोमोलिकुलर टारगेट के साथ इनका इंटरेक्शन होता है और इससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं अगली वाली, कि इनका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, ये जो केमिकल्स होते हैं इनका यदि थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन केमिकल्स को फिर हम मेडिसिन बोलने लगते हैं। ठीक है, मेडिसिन जो होती है इनकी यूजेस क्या है? तो हम बोलेंगे इट इज डिसीजेस का डायग्नोसिस, देन डिसीजेस का प्रिवेंशन, और उसके बाद फिर डिसीजेस का ट्रीटमेंट, है ना। उसके बाद क्या बोला हमने कि जो ड्रग्स होते हैं इनका यदि प्रिस्क्राइब्ड डोज से ज्यादा अमाउंट में ये बॉडी में चले जाए तो फिर क्या हो जाता है? दे बिकम पोटेंशियल पॉइजन। ठीक है, और कौन सी चीज हमने बोली? केमिकल्स का जो यूज होता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, ठीक है, ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। क्लियर बेटा यहाँ तक, है ना। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम कौन सी वाली चीज देखेंगे? तो हम देखेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है,